हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश ग्रामर क्लास 3 असाइनमेंट नंबर 28, जिसमें है फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, कि हम न्यू वर्ड्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बट इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो, वेरी ऑफन बाय एडिंग जस्ट वन लेटर बिफोर और आफ्टर गिवन अ वर्ड वी कैन हैव अ न्यू वर्ड। यहाँ पे अक्सर हम कोई भी वर्ड के साथ एक लेटर आगे या पीछे हम ज्वाइन करते हैं तो एक नया वर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, By adding the letter D to the word N after we have the new word and। अब देखो यहाँ पे जो D है उसको हमने पीछे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे हमें नया लेटर मिला, क्या मिला, एंड मिला। ये क्या है, आर्टिकल है, ए एन द में एंड है, पर इसके पीछे अगर हम D लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंजक्शन बन जाएगा। एंड बाय एडिंग M बिफोर इट वी हैव अ न्यू वर्ड मैन। अब ए एन के साथ अगर आगे लगा देंगे हम तो नया वर्ड क्या बन जाएगा, मैन। दिस इज इंटरेस्टिंग गेम ऑफ लेटर्स एंजॉय बाय चिल्ड्रन एंड इट्स एनरिच देयर वोकैबुलरी। ये जो इंटरेस्टिंग गेम है आप आपस में बच्चे खेल सकते हो, आप सब समझ में आया। इसमें हम एक्सरसाइज देखते हैं, हमें यहाँ पे दिया गया है, एड जस्ट वन लेटर बिफोर और आफ्टर द वर्ड्स गिवन इन द टेबल एंड मेक थ्री मोर न्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो गिवन वर्ड है उसके आगे या पीछे एक लेटर ऐड करना है और नया वर्ड बना। एट है तो उसका मैंने बना दिया मैट, एम यूज किया, इसमें कैट और इसमें हैट, इजी। ओ आर वर्ड है उसके आगे हम एक लेटर यूज करके एक नया वर्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे बना दिया हमने मोर, फोर और सोर। अवर में बना दिया योर, फॉर, अवर। ईट में बना दिया मीट, फिर कैसेट, फिर है चिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ आपको एक वर्ड, सॉरी एक लेटर आप ऐड करते हो, एक नया वर्ड हम बना देते हैं। जैसे कि ईट है, ये है सब्जेक्ट है, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट में यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग्स के थिंग्स के लिए, बट ईट के साथ उसके आगे अगर हम एस यूज करेंगे तो सीट बन जाएगा, एस निकाल के एफ यूज करेंगे तो फीट बन जाएगा, एच यूज करेंगे तो हीट बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि नया वर्ड क्रिएट करना बहुत ही आसान है। ईयर में हो गया फियर, हियर और डियर। आर्ट में हो गया कार्ट, मार्ट और स्मार्ट। इंक में हो गया लिंक, विंक और पिंक। आइस में हो गया स्पाइस, नाइस और माइस। तो बहुत ही आसान है बच्चा, बट सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ वन लेटर आपको आगे ऐड करना है या फिर वन लेटर पीछे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने सिर्फ आगे सिर्फ एक वन लेटर यूज़ किया है और हमने एक नया स्पेलिंग बना दिया, एक नया वर्ड हमने बना लिया है। तो ऐसी गेम आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो और आपकी जो वॉकैब है उसको आप एनरिच कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वॉकैब आपको आएगी तो आप इंग्लिश आसानी से बोल पाओगे। आई होप आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 1 समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।